बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अफरीदी है और मैं पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी का सदर हूँ। हर साल 31 मई को आलमी दिन मनाया जाता है नो टोबैको डे, यानी तंबाकू नोशी से इनकार या उसकी रोकथाम। इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया भर में खासतौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो, गुटखा, पान, नस्वार, नास, ये सब शक्लें, या चाहे वो शीशे की शक्ल में हो, सभी तंबाकू जो है दिमाग पे असर करती हैं। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि शायद ये कैंसर करती है, लेकिन कैंसर के अलावा भी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जिस पे इसका असरात ना हो। दिमाग के अंदर एक डोपामीन का सिस्टम है, ये उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आदत होती है। लोग उनसे जब हम पूछते हैं कि क्या आप नशा करते हैं, तो कहते हैं नहीं। जब उनसे पूछते हैं तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं हाँ। अब WHO ने ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में इसके लिए कोड दिया हुआ है F17। F का मतलब होता है मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, और 1 का मतलब होता है मंशियात, और 7 का मतलब होता है तंबाकू का इस्तेमाल। तो ये बीमारी के जमरे में आता है और इसका नशा भी शदीद है। इसके अलावा ये है जो पीने वाले के साथ साथ जो पैसिव स्मोकिंग जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है, और देखा यह गया है कि इससे खासतौर पर हामला खवातीन और उसके बच्चों पे बड़े बुरे असरात होते हैं, और इर्द गिर्द जो हमारे रहने वाले हैं अपने लिए न सही तो कम से कम अपने प्यारों की खातर तंबाकू नोशी से परहेज करना चाहिए। इस सिलसिले में हम सबका फर्ज है कि इसके खिलाफ मिलकर हाथ मिलाएं, और इनकी जो तबाकारी है या इसकी असरात हैं इसके मुतालिक आगाही फैलाएं और मिलकर इसका खात्मा करें, ताकि जो है अब इस दुनिया में साफ सुथरी हवा, साफ सुथरी फजा और बेहतर सेहत का फरोग हो। इस सिलसिले में एक शेर अर्ज है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। शुक्रिया।